छठ महापर्व पर पिछले 25 साल से पूर्व पार्षद और मछुआ प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी लोगों को चाय पिलाने के साथ दूध का निशुल्क वितरण करते आए हैं। इस परंपरा को इस वर्ष भी उन्होंने बखूबी बरकरार रखा। पूर्व पार्षद और मछुआ प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर पिछले 25 वर्षों से छावनी तालाब में श्रद्धालुओं को चाय पिलाने के साथ निशुल्क दूध का वितरण किया जा रहा है। छोटेलाल चौधरी के पंडाल में चाय शुद्ध दूध से बनाई जाती है। यही वजह है कि हर वर्ष छोटेलाल चौधरी के पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। सभी श्रद्धालुओं को चाय कुल्हड़ में पिलाई जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व तक स्थानीय स्तर में कुल्हड़ उपलब्ध नहीं होने की वजह से चौधरी द्वारा कुल्हड़ को कोलकाता से मंगाया जाता था। शुद्ध दूध से बनी चाय को लेने आसपास के क्षेत्र से लोग घरों से केतली और बर्तनों को लेकर पंडाल में पहुँचते देखे जा सकते हैं। चाय के साथ साथ व्रती महिलाओं को अर्घ देने दूध का भी निशुल्क वितरण किया जाता है। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग छोटेलाल चौधरी द्वारा स्वयं की जाती है। पंडाल में कुल्हड़ में चाय पीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। छोटेलाल चौधरी ने कहा कि छठी मैया की कृपा से यह सब संभव हो पा रहा है। जब तक छठी मैया की इच्छा है वह इस कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं देख सकते हैं यहाँ पे छठी मैया का आपके सभी लगभग 25 साल में यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए जो अधिकारी हैं उनकी सेवा के लिए साथ में जुड़ने साथ आए हुए हैं। सबकी सेवा के लिए यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और प्योर दूध की चाय यहाँ पे कुल्हड़ में पिलाई जाती है। ये कार्य की शुरुआत इनके द्वारा कब से की गई, इसके पीछे इनकी क्या मंशा, आइए हम इन सब से चर्चा करने के छोटेलाल चौधरी से। छठ मैया सब लोग मनोकामना पूर्ण करे प्रदेशवासियों से। और ये अपना त्योहार महापर्व होता है, इसकी व्याल गोपियों पर होता है। सबसे बड़ा पर्व इसको इसकी व्याल मनाया जाता है जो हम बहुत हमारे माँ बहन प्लास्टिक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि पूरे प्रदेश में बड़ी मंशा जब तो छठ महीना हमारी आशीर्वाद है तब जब छठ महीना होते रहेंगे जिंदगी पहले
लगातार इस कार्य को नया